Hello everyone once again welcome in e learning english classes today we are going to read the last one part of chapter the address and the paragraph for the same is again i heard the unnatural sound of my voice and i went on i remember my mother once asked me

चांदी को यानी कि सिल्वर को पॉलिश करने में चांदी के बर्तन है घर पे उनको पॉलिश करने में क्या मम्मा की हेल्प कर सकती हूँ इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई आई प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हेड नेवर आस्क मी बिफोर अब जो ये बात है बच्चे बहुत पहले के टाइम की है और शायद ये उन दिनों की बात है जो ऑथरस है शायद वो उब गई होगी यानी कि उसको बोरियत महसूस हो रही होगी घर में या फिर बीमार होने के कारण वो घर पर ही होगी हाँ वो ये भी बात में बोलती है कि इससे पहले मेरी माँ ने कभी भी मुझे इस तरह का कोई काम करने के लिए नहीं कहा आई आस्क हर विद सिल्वर स्पून शी मेंट एंड शी रिप्लाइड दैट इट में स्पून फोक्स एंड नाइव ऑफकोर्स एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग आई नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वॉज सिल्वर अब जब माँ ने बोला कि सिल्वर को पॉलिश करना है तो मैंने मम्मा से ये पूछा कि मम्मा कौन से चांदी के बर्तन और मेरी माँ ने हैरान होकर मुझे जवाब दिया कि वो घर के अंदर जितने भी हमारे चम्मच हैं जितने भी फोक से से कांटे और छुरिया हैं अनडाउटेडली बड़ी हैरानी से बात मतलब जब माँ ने मुझे बताई कि बच्चे हम लोग जिन चीजों से जिन बर्तनों से हम लोग खाना खा रहे हैं जिनका हम यूज करते हैं खाना खाने में वो सारे के सारे चांदी के हैं और ऑथरेस ये कहती है कि यही बात हैरानी की थी कि जिस कटलरी का यानी कि चाकू छुरी वगैरह का हम लोग घर में यूज कर रहे हैं मेरे घर में वो सारे की सारी चीजें चांदी की थी और मैं तब तक ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी द गर्ल लाफ अगेन तो जो वो लड़की है मिसेस डोरलिंग की वो हस्ती है आई बेट यू डोंट नो इट इज आई दर आई लुक इंटेंटली एच हर तो मिसेस एस एस की डॉटर कहती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ द वर्ड बेट दैट वर्ड स्टैंड फॉर शर्त लगाना वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ कि तुम भी नहीं जानती होगी इस चीज को कि तुम्हारे घर में जितने भी टेंसल्स का यूज हो रहा है वो सिल्वर के हैं और बड़े ध्यान से उसकी तरफ मैंने देखा तो उस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पुट किया मिसेस डार्लिंग की बेटी ने व्हाट वी ईट विद कि हम किससे खाते हैं वेल डू यू नो तो मैंने कहा क्या तुम जानती हो शी हेजिटेटेड तो वो लड़की थोड़ा हिचकिचाई शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉ आई विल लुक एज इट इज इन ही तो वो लड़की थोड़ा सा हिचकिचाई और थोड़ा सा चलकर साइड बोर्ड के पास गई और बोलती है आई वॉन्ट इपन ड्रॉर कहती है कि मैं ड्रॉर ओपन करना चाहती हूँ इसमें हूँ आई जम्प आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम आई मस्ट के डॉर्लिन की बेटी ड्रॉर के अंदर ढूंढ रही है किनको उन कटलरीज को यानी कि जो सिल्वर के स्कून है जो फॉक्स थी और जो नाइव है इन बिटवीन जो मिसेज एस एस की डॉटर है वो चेयर से खड़ी होती है क्योंकि वो भूल गई थी टाइम के बारे में तो टाइम बीतता जा रहा है क्योंकि उसको वापस जाने की ट्रेन भी तो पकड़नी है शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर अब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने ड्रॉर पे अपना हाथ उसको ओपन करने के लिए रखा हुआ है ड्रॉर को ओपन करने वाली है और हमारी जो ऑथरेस है एस एस की डॉटर वो खड़ी होगी वो जाना चाहती है तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने बोला क्या तुम रुकोगी नहीं मेरी माँ के लिए नो आई मस्ट गो तो जवाब आता है कि नहीं मुझे जाना होगा मैं चलकर दरवाजे तक गई द गर्लन इन बिटवीन उस लड़की ने दरवाजे डोर को ओपन किया I can find my own way. और मैंने बोला कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी यानी कि तुम्हारे घर से मैं इजिली बाहर चली जाऊंगी एज आई वॉक डाउन दैसेस तो जैसे ही मैं जिस गलियारे से आई थी कॉरिडोर से आई थी उनके घर के अंदर उसी रास्ते से जब मैंने वापस जाना शुरू किया आई हेड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स मदवरजिंग इन दैट वर्ड झंझनाहट हम बोल सकते हैं तो जोत्रा सव कहती है कि मैंने उन चम्मचों की उन कांटों की आवाजों को सुना एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड और जैसे ही मैं सड़क के कॉर्नर पर पहुंची मैंने पलटकर फिर दोबारा से एक बार उस घर की नेम प्लेट को देखा मार्कोनी स्ट्रीट जिसके ऊपर लिखा हुआ था

एड्रेस को याद किया हुआ था लेकिन अब ऐसा क्या है वो उसको भूलना चाहती है ऑब्जेक्ट आर लिंक लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देर वैल्यू वेन से वर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेन सराउंडिंग्स एंड वट शुड आई हैव डन विद इन स्मॉल रेंटेड रूम दे आर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ऑफ कटलरी फिटेड इन दो गा और जब हम उन चीजों से मिलते है तब तक हमारा उन चीजों से नाता टूट चुका होता है क्योंकि वो चीजें अब कैसी होती है अजीब अ गरीब माहौल के अंदर लोकेट हुई होती है जिसकी वजह से वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है अब इस चीज को आप समझ लो माइन्यूटली कैसे देखो घर का जो ऑथरेस के घर का बेटा सारा सामान है लाइक बर्तन है बर्तन की इंपॉर्टेंस कब थी जब खुद की मदर उन प्लेट्स में उन बाउल्स में उस ग्लासेस में उन सब चीजों में खुद नरेटर को खाना डालकर दिया करती थी मिंटू से एक माँ का माँ के हाथों का टच होता था मिंटू से जब माँ के हाथों का टच होता था तो नरेटर को बड़ी प्यारी थी लेकिन अब वो ये कहना चाहती है कि जब मेरी माँ ही मेरी जिंदगी में नहीं रही तो इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ओके okay? और देखो उसके घर में इन चीजों को कैसे अरेंज किया गया था और इस वाले घर में इन चीजों को कैसे अरेंज कर रखा है मतलब माँ चीजों को कैसे संभाल के रखती थी और इन लोगों ने कैसे इन चीजों को इग्नोर किया हुआ है सेकेंड वन रीजन ये दिया कि देखो पहले वो बहुत बड़े घर में थी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी लेकिन आफ्टर द वॉर जब कोई नहीं रहा सिर्फ यही बच्ची बची है ये सिर्फ एक किराए के छोटे से घर में रहती है और वो घर भी कैसा है किराए का छोटा सा कमरा है दीवारों पर क्या है कर्टेन की जगह कर्टेन नहीं है लगता तो है कि कर्टेन होगा लेकिन नहीं वो कागज के काले पड़ यानी किसी भी चीज को बोल सकते हो मतलब कुछ भी रैग्स टाइप लगा रखा हो ठीक है सिर्फ जो खिड़कियों के ऊपर अटके हुए हैं मतलब तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हाँ पर्दा है लेकिन वो अगर तरीके से देखा जाए तो एक पर्दा नहीं है और जहां पर सिर्फ क्या है मुठ्ठी भर ले है यानी कि अगर ऑथर अकेली रहती है तो उसके पास क्या होगा मे भी थोड़े से बर्तन होंगे और सारी की सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं किचन की नीड नहीं है एक मेज के दराज, दराज के अंदर ही हम लोग उस सामान को फिट कर सकते हैं तो ये कहती है कि मैं अगर इस सामान को ले भी जाऊं यहाँ से अपने सामान को तो मैं इसे रखूंगी कहा क्योंकि मेरे किराए के घर पे तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं इस सामान को रख सकू तो ये कहती है कि जब इस समान से जुड़े हुए लोग मेरी जिंदगी में नहीं रहे तो इस समान का मैं क्या करूंगी सो आई रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस तो उसने एक दृढ़ निश्चय लिया रिसोल्व किया मतलब डिटर्मिनेशन अपने मन के अंदर लाई कि मैं इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी ऑफ ऑल द थिंग्स आई फॉरगेट दैट वुड बी दस्ट और उसने ये डिसीजन लिया कि इन सब चीज को इन सब चीजों को भूल जाना ही उसके लिए सबसे आसान रास्ता है क्योंकि अगर वो इन चीजों को नहीं भूल पाएगी तो पास्ट की मेमोरी से अपने आप को कैसे छुड़ा पाएगी और बच्चे आजकल जरूरी क्या है कि पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए उसको भूल जाना चाहिए एक नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है अगर हम लोग पीछे वाली बातों से जुड़े रहेंगे यानी कि जो हमें बार बार डिप्रेशन में दुख में टेंशन में तनाव में लेके जाएंगी तो हम लाइफ में कभी भी बच्चे अपने आप को अप नहीं कर पाएंगे सो गाइस so आप लोगों को चैप्टर दर्द अच्छे से समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू